ध्यान से काम करके हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। कैसे हर कदम एक नए सफर की शुरुआत बन सकता है, तो चलिए आज हम इस मंत्र के साथ मिलकर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जिसमें हर कदम एक नई कहानी का आरंभ करता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक महान राजा रहता था। राजा अपने रोज के कामों से परेशान रहने लगता। राजा का किसी भी काम में मन नहीं लगता था। तब एक दिन राजा को उसके मंत्री ने बताया कि उसके राज्य में एक बुद्ध रहता है। मंत्रियों ने राजा को बताया कि बुद्ध के एक एक शब्द में जीवन का सत्य छुपा है, उनके जैसा महान व्यक्ति दूर दूर तक नहीं है। तब राजा ने सोचा कि एक बार चलकर देखते हैं कि बुद्ध सच में इतना महान है। अगले दिन सुबह राजा ने अपने मंत्रियों से रथ लेकर चलने को कहा। राजा उस बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। बुद्ध एक पहाड़ी के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। रास्ता बहुत लंबा था। बीच रास्ते में पता किया तो लोगों ने भी बुद्ध की तारीफ की। राजा ने सोचा कि सच में कोई बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। शाम को जब राजा बुद्ध की झोपड़ी के बाहर पहुंचा तो राजा ने देखा कि एक मजदूर छोटे से बगीचे में काम कर रहा था। उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी थी, पैरों में चप्पल नहीं थी। राजा ने पूछा, महोदय बुद्ध कहां रहते हैं? मैं उनसे मिलने आया हूं। उस बागवान ने कहा, श्रीमान आप अंदर बैठिए, मैं अभी बुद्ध को बुलाता हूं। राजा झोपड़ी के अंदर बैठकर बुद्ध की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में बुद्ध ने झोपड़ी में आकर नमस्कार किया। राजा ने हैरान होकर कहा, अरे आप तो वही बागवान हैं जो बाहर थे। बुद्ध ने कहा, जी राजा कसूर, माफ करें, मैं छोटा सा काम कर रहा था, मैं ही बागवान हूं और मैं ही बुद्ध हूं। बुद्ध ने राजा से कहा, आपके आने का कारण बताएं। राजा ने कहा, मैंने सुना है कि आप जैसा साधारण व्यक्ति राज्य में दूसरा कोई नहीं है, तो मैं आपसे मिलने चला आया। मैं आपसे आत्मज्ञान पर उपदेश चाहता हूं, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं देख रहा हूं कि आपके पास ना कोई किताब है ना किसी कला के संकेत दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत शांत दिख रहे हैं। राजा ने बुद्ध से कहा, क्या मुझे आप अपना सीक्रेट बता सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सुबह का समय ठीक रहेगा, कल सुबह होने से पहले आप मुझसे मिलने आ जाना। यह कहकर बुद्ध ध्यान में मौन हो गए। राजा वापस अपने महल लौट आया। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसे चिंता थी कि बुद्ध कल सुबह मुझे क्या बताने वाले हैं। अगले दिन सुबह राजा बुद्ध के पास पहुंचता है। बुद्ध बगीचे में खड़े थे। राजा ने बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने कहा, राजा यहां आइए और यहां से सभी पौधों में धीरे धीरे पानी डालो। और राजा से कहा, ऐसा करते करते तुम्हें इन 10 पौधों में पानी डालना है, लेकिन याद रहे कि पानी डालते समय तुम कुछ और मत करना, ना कुछ सोचना, अपना पूरा ध्यान पानी डालने पर रखना। अगर कोई ख्याल आए तो रुक जाना और दोबारा से पहले पौधे से पानी डालना शुरू करना। जब तुम सारे पौधों में पानी डाल दोगे तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें वो सीक्रेट बता दूंगा। बुद्ध की बात सुनकर राजा को लगा कि बुद्ध किस तरह का काम करवा रहे हैं। राजा को पहली बार इस तरह का काम मिला था। राजा ने कहा, ठीक है। बुद्ध राजा ने बड़े ध्यान से पहले पौधे में पानी डाला, फिर दूसरे पौधे में पानी डाला, फिर तीसरे पौधे, पर जा ही रहा था कि वह रानी के बारे में सोचने लगा। राजा बुद्धिमान था, उसे पता था कि बुद्ध उसकी परीक्षा ले रहे हैं, अगर वह चीटिंग करेगा तो पकड़ा जाएगा। इसलिए राजा फिर से पहले पौधे में पानी डालने गया। इस बार वह दूसरे पौधे तक ही पहुंचा था कि पानी डालते डालते वह अपनी पुत्री के बारे में सोचने लगा। राजा बहुत परेशान होकर फिर से पहले पौधे के पास पहुंचा। राजा जितनी कोशिश करता उतना चिंतित हो जाता और खुद को किसी न किसी विचार में फंसा लेता। आखिरकार ऐसा करते करते शाम हो गई, लेकिन राजा आखिरी पौधे तक पहुंच नहीं पाया। जब राजा थक कर बैठ गया तब बुद्ध ने कहा, राजा मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं, इसलिए सुनो, जब मन विचारों से खाली होता है तब उसमें मन का असली स्वरूप साइलेंट अवेयरनेस प्रकट होती है, तब हर साधारण काम भी तुम्हें ज्ञान और शांति देता है। राजा ने कहा, लेकिन यह संभव कैसे है? जब हम काम करते हैं तो हमें कई विचार परेशान करते हैं। बुद्ध ने कहा, राजा तुम पौधे में पानी नहीं डाल रहे थे, तुम जल्दी से जल्दी अपने काम को खत्म करना चाहते थे, तुम्हें काम खत्म करने की जल्दी थी जिससे तुम मुझसे बात कर सको, इसीलिए तुम्हें यह काम बोझ लग रहा था जिस कारण तुम इस पल में रुक नहीं पाए। अगर तुम इस फल की कीमत समझकर केवल पौधे और पानी पर ध्यान देते तो तुम्हें कोई विचार परेशान नहीं करते। राजा ने कहा, यह सब तो मैं समझ रहा हूं,
लेकिन इस पल में रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे इसके लिए अकेले रहकर तपस्या करनी पड़ेगी? बुद्ध कहते हैं कि शांत मन तो पहले से ही मौजूद होता है, इसके लिए कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान देना सीखो, तब आपको पता चलेगा कि शांति तो सांस के साथ ही बनी हुई है। उसके बाद काम करते करते सांस पर ध्यान बनाए रखो। आप बोलते चलते सोचते हुए भी अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हो। जब आप ऐसा करते हो तो बिखरा हुआ मन सिमटने लगता है और एकाग्र ऑन पॉइंट हो जाता है। ऑन पॉइंट माइंड से जब कोई काम किया जाता है तो उस मन में केवल वही काम रिफ्लेक्ट होता है और कोई विचार उत्पन्न नहीं होते हैं। जब ऐसा होता है तो कर्ता और कर्म एक हो जाते हैं और साइलेंट अवेयरनेस जो पहले से बनी हुई थी वह प्रकट हो जाती है। तुम इसे आत्मज्ञान आनंद परसेंट मूवमेंट, इसे जो चाहे नाम दो, यह आसानी से प्राप्त हो जाती है। राजा ने कहा, बुद्ध जो कहते हैं कि जो मन मुश्किल को रिजेक्ट नहीं करता, जो मन परेशानी से दूर नहीं भागता है, केवल सचेत रहता है, वह मन हर परेशानी को पार कर जाता है। दोस्तों, कभी काम को बोझ मानकर जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे तनाव पैदा होता है। आप यहां नहीं बल्कि कहीं और होना चाहते हो। तनाव के कारण मन में विचार हावी होने लगते हैं, जिससे इरिटेशन होती है, और हर काम जो परसेंट मूवमेंट का दरवाजा था वह सच में बोझ लगने लगता है। इसकी जगह काम शुरू करने से पहले अपना ध्यान सांस पर ले आओ और फिर काम के दौरान भी ऐसा करो। सांस का ध्यान काम के ध्यान में बदल जाएगा और कठिनाई डिस्टर्बेंस आते हुए भी आपको छू नहीं पाएगा और आप जो भी काम करोगे उसमें आपका ध्यान लगा। राजा ने बुद्ध से कहा, मैं कैसे अपना ध्यान काम में लगाऊं? बुद्ध ने राजा से कहा, जब मैंने आपको पौधों में पानी डालने को कहा था वो काम सिर्फ कुछ देर का था, लेकिन आपको वही काम करने में पूरा दिन लग गया और काम भी पूरा नहीं हो सका। ठीक वैसे ही यदि तुम अपना ध्यान केवल पौधों पर रखते तो वो बहुत आसान काम था। आपको अपनी सांसों को अपने काम से मिला लेना है, तभी तुम्हारा ध्यान काम पर होगा। तुम्हारा फोकस ही तुम्हारे काम को आसान बना सकता है। यदि तुम अपने काम पर फोकस नहीं कर सकते तो वही काम तुम्हें कठोर लगेगा। यदि तुम जिस काम को कर रहे हो तो अपना पूरा फोकस उसी काम पर लगा दो, वही काम तुम्हें आसान लगेगा और पता भी नहीं चलेगा कि काम पूरा कब हुआ। तुम्हारी सांसें और ध्यान ही तुम्हारे काम को आसान और कठोर बना सकते हैं। एक काम को खत्म करने से तुम्हारी आधी से ज्यादा चिंता खत्म हो जाती है। बुद्ध की बात सुनकर राजा ने बुद्ध का धन्यवाद किया और अपने महल लौट आया।